देखिए, एक आंकड़ा आया है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। तो इस आंकड़े में ये है कि भारत में 13,13,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं 2019 से लेकर 2021 के बीच, यानी कि बस 2 सालों में। ठीक है, 2019-20-21 ये आंकड़ा है। अभी संसद में इसे रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है वहाँ से। तो 13,13,000 महिलाएं और बच्चियां कुल मिला के गायब हैं, जिसमें अपने राज्यों में जो मध्य प्रदेश हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चियां गायब हैं, जिसमें देखिए 2,50,000 से ऊपर लगभग 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं जो 2,50,000 से ऊपर की संख्या में गायब हैं। तो ये बहुत ही शोचनीय है, निंदनीय है, मतलब बहुत ही ये बेकार है, बहुत ही बेकार सिस्टम है। इस पे देखिए, जो सरकारें हैं और जो टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता। ये सब आंकड़ा आपका है, आप गूगल करिएगा और देखिएगा इसको। तो देखिए, आज के डेट में जितनी टीवी चैनल हैं, डिबेट हो रहा है, तो सभी डिबेट बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम धार्मिक चीज़ों को लेके। और जो धार्मिक चीज़ें आज के समय में आप देख सकते हैं, अभी हमारे मणिपुर में एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से 3 महीने तक लगातार जलता रहा और जल रहा है, जहाँ महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, ये कहना नहीं है, आप सब देख सकते हैं। और सरकार क्या कर रही है ये सबको पता है। और आगे अभी देखिए, अभी हाल का न्यूज़ है हरियाणा में, जो मेवात में जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये दुखदायक है। इस पर कोई ऐसा नहीं है, सभी धार्मिक चीज़ें हैं, सभी धार्मिक चीज़ों से समस्याएं हो रही हैं। तो ये सभी सोचने की ज़रूरत है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि आप लोग शिक्षा की बात करिए, बदलाव की बात करिए, रोज़गार पे बात करिए। जो टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं आज के समय में कि धार्मिक चीज़ों को लेकर डिबेट दिखा रहे हैं, फलाने 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 को बैठा के, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। अगर बहस हो तो देश की बेटियों को कैसे बचाया जाए, देश की सुरक्षा कैसे हो सके, तमाम है, रोज़गार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, लेकिन इन सब बातों को हटा के बाकी सब बातें की जा रही हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। और जो आज के समय में भारत की स्थिति है, जो ये सरकार जिस तरह बनाना चाहती है, आज से अगर 100-150 साल बाद अगर देखा जाएगा, तो आज के समय में जिन बच्चों का जो हार्ट या लीवर जो तैयार किया जा रहा है धार्मिक चीज़ों के प्रति, जो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो अभी नहीं परिणाम आएगा, अभी तो धीरे धीरे छोटा छोटा आ रहा है, फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बुरा परिणाम होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया धार्मिक चीज़ों से दूर रहें। श्रद्धा अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है, आप करिए, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पिस्टल लेके, बंदूक लेके लोग गोलियाँ चला रहे हैं, हमारे एक जवान शहीद हो गए मेवात में, आप सबको पता है, बड़ी दुखदाई है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। ओके ओके दोस्तों, जय हिंद।